श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में 5 जनवरी से चल रहे 5 कुंडीय यज्ञ को भक्तों द्वारा आहुतियां डालकर संपूर्ण किया गया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य बनवारी प्रसाद शास्त्री द्वारा महोत्सव की कथा का उच्चारण किया गया, जिसके पश्चात विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ को संपूर्ण करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान के तौर पर अमित कत्याल, सुभाष सिक्का, मधु सिक्का, हरिराम, किरण, सनी, तनु, शुभम, युवराज, गौतम मिश्रा, राकेश आनंद, गणेश शर्मा, साहिल पराशर, पवन गुप्ता, जनकराज पाठक ने अपने परिवार सहित यज्ञ में आहुतियां डाली। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य पुजारी आचार्य बनवारी प्रसाद शास्त्री ने बताया कि 5 जनवरी से आरंभ किया गया हवन यज्ञ रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक किया जाता था, जिसमें इलाके के भक्त बड़े उत्साह पूर्वक भाग लेते थे। इस मौके पर स्त्री सत्संग सभा की सुमन पाठक, निर्मला शर्मा, किरण मिन्हास, रानी सुशील, श्रद्धा, विमल, देविका, राधा, किरण, मंजू, क्षमा, पूनम, मीना, रुचिता, सुदेश, त्रिशला, पूनम अहुजा, मधु, सपना, श्रुति, मोनिका, कामिनी, मंदिर के पुजारी सुरेश शास्त्री, कुशला प्रसाद शास्त्री, कमलेश्वर प्रसाद शास्त्री, द्वारिका प्रसाद नोटियाल, हर्ष, योगेश, राकेश सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। तुम जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कसरा सहस्रतकः शुभद्रिकां तां पीलवासिनीम्मा मनोज्योतिर्जुगता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनौ त्वरिष्टं यज्ञगुरुं समिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा हिमाद्रिं तनयं देवी भरतं शङ्करप्रिया लम्बोदरस्य जननी गौरीमावाहयामि गौरीगणेशाय नमः ध्यानार्थे आह्वानार्थे आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि हरि ओं मां गौरीगणेशाय नमः पाद्योपाद्यं हस्तयो अर्घ्यं मुखे आच्छन्नं सर्वांग्यश्नानं जलं समर्पयामि वस्त्रं युवाश्वासा प्रवीतागत मौलिदे वस्त्रं भुवस्त्रं समर्पयामि युवाश्वासो प्रवीतागत सौ श्रेयं भवति जायमान तं भीष्मं साधाय शीतवस्त्रं संस्थानं लज्जायां रक्षणं परम् देहलङ्कारणं वस्त्रः मतः शान्ति प्रयच्छ मे वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। माघ महात्म्य की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज माघ मास के उपलक्ष में चल रहे ये मासिक यज्ञ जो पूरे 1 महीने तक चला, उसका आज समापन सत्र था। आज समापन का इसका दिन था और पूरे महीने 7 जनवरी से ये यज्ञ प्रारंभ हुआ था और आज 5 फरवरी को समापन किया गया। इसमें हमारे जितने भी जलंधर शहर के वासी हैं, दूर दूर से सब लोग प्रतिदिन आकर के और कोई ना कोई व्यक्ति एक मुख्य यजमान की भूमिका निभा करके इस यज्ञ में उपस्थित रहते थे और साथ में बाकी सभी श्रद्धालु यज्ञ में आहुति डालने के लिए बराबर आते रहे। प्रतिदिन करीबन 100-120-150 तक की संख्या पहुँच जाती थी और उसके बाद प्रतिदिन बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा करके लंगर प्रसाद, चाय, दूध, कॉफ़ी इत्यादि सब प्रसाद के रूप में वितरित होता रहा। ये माघ मास के हवन, माघ मासे प्रयागे च, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना और हवन यज्ञ आदि का जो वर्णन है वो बड़ा ही शास्त्रों में माना गया है कि सभी को माघ मास में कम से कम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है माघ मास का लाभ लेते हुए इस मानव जीवन को सफल करना चाहिए, ताकि हम पुनः जो है जन्म मरण के बंधन में ना पड़े और साथ में हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति है ये परंपरा चलती रहे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हलचल चैनल का, जो हमारी सभी गतिविधियों को हमारे श्री शीतल भी जी प्रधान श्री देवी कला मंदिर और दैनिक सवेरा के संपादक भी है, जिनके पुरुषार्थ से हमारा जो ये कार्यक्रम है, धार्मिक जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं पूरे पंजाब नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में और यहां तक कि बाहर भी इस चैनल को लोग लाइक करते हैं और देख करके सभी लोग हमको इसकी बधाइयां भेजते हैं, तो उनका बहुत बहुत